नमस्ते मेरे प्यारे फूडी फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ अर्चना दवे और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक डिश और बहुत ही डिलीशियस डिश जिसका नाम है हरे चने की सब्जी और ये विंटर स्पेशल है। तो चलिए ये डिश हम बनाना शुरू करते हैं। हरे चने की सब्जी के लिए हम लेंगे 200 ग्राम चना। मैंने इसे अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। अब मैं इसे ट्रांसफर करूंगी कुकर में और इसकी हम बजाएंगे 5 से 6 विसल्स। मीडियम फ्लेम पे हमें कुकर लगा के इसकी विसल बजानी है। उसके बाद मैंने रेडी किया 1 टोमेटो जिसको मैंने बारीक काट के रेडी रखा है और 1 लिया था प्याज उसको भी मैंने बारीक काट के रेडी रखा है। लेंगे हम थोड़े से खड़े मसाले जिसमें है इलायची का 1 टुकड़ा, 2 लवंग, 1 दालचीनी उसका छोटा सा टुकड़ा और 1 चक्रीफूल का छोटा टुकड़ा। अब इसको हम अच्छे से पीस डालेंगे। देखिए इस तरह से रेडी हो गया है। इसके बाद हम रेडी करेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट जिसके लिए मैंने लिया है 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 3 कलियां ली है मैंने लहसुन की। अब इसे भी मैं पेस्ट में कन्वर्ट करूंगी। ये लीजिए दोस्तों, हमारी पेस्ट बनके रेडी है। हम लेंगे 1 कटोरी में खट्टी छाछ और इस छाछ में मैं ऐड करूंगी 1 बड़ी चम्मच बेसन और अच्छे से करेंगे मिक्स। तो लीजिए मैंने डाला बेसन और इसे अच्छे से हिला के मैं रख दूंगी। इसे बनाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी विसल बजने के बाद ये कैसा दिखता है चना। तो इसने अपना कलर थोड़ा चेंज किया है और ये अच्छे से पक गया है। देखिए मैं दाना दबा रही हूँ तो ये अच्छे से दब रहा है। अगर इस स्टेज में अगर आपको लगे कि चना कड़क है तो और 1-2 विसल बजा दीजिए, उसके बाद सब्जी बनाना शुरू कीजिए। मेरे तो अच्छे से पक गए हैं तो मैं कुछ भी नहीं कर रही। अभी पैन में हम थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। मैंने यहाँ पे करीबन 3 बड़ी चम्मच तेल लिया है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच राई और राई को स्प्लटर होने देंगे। उसके बाद डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग, थोड़े से करी लीव डालूंगी, ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छे से इसे सौते करेंगे जब तक कि इसका कच्चापन पूरी तरह से चला नहीं जाता। उसके बाद इसमें जाएगा हमारा कटा हुआ प्याज और प्याज को थोड़ा नरम होने तक हम पकाएंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ नरम ही रखना है, थोड़ा सा नरम ही करना है। अब इसमें डालेंगे हम हमारे टोमेटोस। टोमेटोस को भी थोड़े सॉफ्ट होने तक हमें इसमें पकाना है और बीच बीच में इसे ऐसे आप हिलाते रहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे छाछ जिसके साथ हमने बेसन भी मिक्स करके रखा है। तो अब मैं ये छाछ इसमें ऐड करूंगी। अच्छे से करेंगे मिक्स इसको और इसमें ऐड करेंगे हम बारी बारी से सभी मसाले। 1 छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच डालेंगे मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच डालेंगे हम भुना हुआ जीरे का पाउडर जो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा, और हो सके तो फ्रेश भुना हुआ जीरा इसमें ऐड कीजिए। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और ये हमारा खड़ा मसाला जो हमने रेडी करके रखा था वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब इसे अच्छे से करेंगे मिक्स और इसे हम 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारे सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और जो बेसन है वो भी अच्छे से पक जाए। ये लीजिए दोस्तों, हमारे सभी मसाले अच्छे से पक गए हैं और बेसन भी अच्छे से पक गया है। देखिए इसमें से ऑयल छूटने लगा है। तो अभी इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे हमारे हरे चने, अच्छे से करेंगे मिक्स। अब इसे हम 5 मिनट तक लो टू मीडियम, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे ताकि जो हमारे चने हैं वो ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और चने के अंदर भी ग्रेवी का टेस्ट आने लगे। तो चलिए अब मैं इसको ढक देती हूँ और इसे हम 5 मिनट तक आराम से होने देते हैं। चलिए चेक करते हैं। वाव सुपर, देखा आपने कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं चने ग्रेवी के साथ और तेल भी छूटने लगा है। अब हम इसे अच्छे से हिलाएंगे। वाव बहुत ही ज्यादा टेस्टी दिख रहा है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है इसकी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी फाइनली थोड़ा सा धनिया
अच्छे से करेंगे इसे मिक्स। अब इसे हम निकालेंगे सर्विंग प्लेट में। जी दोस्तों, हमारे हरे चने की सब्जी बनके रेडी है। ये विंटर स्पेशल है, तो जब तक हरे चने मिल रहे हैं आप ये रेसिपी जरूर से ट्राई कीजिएगा। होप आपको ये मेरी सब्जी अच्छी लगी हो। मिलती हूँ आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, से हेल्दी, से हैप्पी एंड बाय बाय।